अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हम नातिक अदात के तसव्वुर को समझ चुके हैं, अब हम नातिक अदात पर अमल को जानेंगे। नातिक अदात को शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का इस्तेमाल करके आम कसरों की सूरत में लिखा जाता है, इसलिए नातिक अदात पर अमल कसरों पर अमल की तरह करते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों, हम नातिक अदात और आम कसर के बीच मामूली से फर्क को समझेंगे। प्यारे बच्चों, हम आम कसर के बारे में जानते हैं। हमने पिछली जमातों में आम कसर पर अमल को पढ़ा है और हम नातिक अदात की तारीफ से भी वाकिफ हैं। नातिक अदात की तारीफ इस तरह बयान की जाती है, एम बटे एन की सूरत वाले अदात को नातिक अदात कहते हैं, जहां एम और एन सही अदाद होते हैं और एन एक गैर सिफर सही अदाद होता है, यानी एन बराबर नहीं है जीरो के। इसी तरह हम आम कसर की तारीफ को भी बयान कर सकते हैं, एम बटे एन की सूरत वाले अदाद को आम कसर कहते हैं, जहां एम और एन मुकम्मल अदाद होते हैं और एन एक गैर सिफर मुकम्मल अदाद होता है, यानी एन बराबर नहीं है जीरो के। प्यारे बच्चों, आम कसर की तारीफ भी नातिक अदात की तारीफ की जैसी होती है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि नातिक अदात की तारीफ में एम बटे एन सही अदाद होते हैं, लेकिन आम कसर की तारीफ में एम बटे एन मुकम्मल अदाद होते हैं। और हम मुकम्मल अदाद और सही अदाद से बखूबी वाकिफ हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। मुकम्मल अदाद में मनफी वाले अदात नहीं होते, जबकि सही अदात में मनफी वाले अदात मौजूद होते हैं। इससे ये साबित होता है प्यारे बच्चों के मनफी अदात से बनने वाली एम बटे एन की सूरत आम कसर नहीं होती, यानी हम नफी एक बटे दो, नफी तीन बटे चार, नफी सात बटे नौ, नफी आठ बटे ग्यारह जैसे अदात को हम आम कसर नहीं कह सकते। तीन बटे दो, सात बटे चार, आठ बटे नौ जैसे मजबूत अदात को हम आम कसर कह सकते हैं। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या तमाम नातिक अदात आम कसरे हो सकती है? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, नहीं हो सकती, क्योंकि नफी एक बटे दो, नफी दो बटे तीन, नफी पाँच बटे चार जैसे अदात नातिक अदात हैं, लेकिन ये आम कसर नहीं है। इससे ये साबित होता है प्यारे बच्चों के तमाम आम कसरे नातिक अदात हो सकती हैं, लेकिन तमाम नातिक अदात आम कसरे नहीं हो सकती, क्योंकि दो बटे तीन, तीन बटे चार, पाँच बटे छः ये आम कसरे हैं, जबकि नफी एक बटे दो, नफी तीन बटे चार, नफी आठ बटे दो आम कसरे नहीं हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि आपको नातिक अदात और आम कसर के बीच में फ़र्क समझ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में नातिक अदात पर अमल आम कसर पर अमल की तरह करते हैं, ये देखेंगे।